अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? सब खैरियत से हो? सबको ईद मुबारक। ये वीडियो जब आप देख रहे होगे तो तकरीबन ईद तो गुजर चुका होगा, पर हम थोड़ा लेट हो गए। हमारा ईद कैसे था? जब ईद का नमाज़ पढ़ा और घर पर आए तो कुर्बानी की, और तकरीबन 3 दिन हर दिन उठते और यहाँ जाते वहाँ जाते, ये सोचते और मशवरा करते, पर निकलने का टाइम नहीं मिला। जितने भी पिकनिक स्पॉट थे या टूरिस्ट के जगह थे तो लॉकडाउन की वजह से 4-5 दिन बंद थे। हमारा तो पहले प्लान था कि हम कुमराट जाएंगे, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से हम कुमराट नहीं जा सके, तो इस वजह से हमने आज ईद का छोटा दिन है तो हमने सोचा कि कंटेंट तो बहुत ज़रूरी है चैनल के लिए, कंटेंट नहीं बना 3 दिन तो आज कंटेंट बनाएंगे। तो हम निकले हैं, ये फुल चौक है, हाँ चिकदर्रा जो न्यू मोटरवे बनी है उसके सामने एक जगह है पुल चौके में, और ये रेवा स्वाद का किनारा है। हम आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो बारबेक्यू का सिस्टम है, इंशाल्लाह लेट टाइम तक यहाँ रहेंगे। कंटेंट के चक्कर में है क्योंकि गोश्त तो प्री का था, तो हमने सोचा चलो एक कंटेंट तो उससे बनाएंगे। चलो देखिए, हमारे साथ रहिए। जी काम शाम कैसा चल रहा है? बारबेक्यू कब तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह? जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मास एक्सप्लोरर का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने छोटी सी टाइम में ये इतना बड़ा अरेंजमेंट किया। और सबसे अच्छी बात और रिफ्रेशमेंट वाली बात ये कि यहाँ पे हम बारबेक्यू बना रहे हैं और इंशाल्लाह ये 10-15 मिनट बाद कंप्लीट होके कर इसका इंजॉयमेंट करें। और मेरे तरफ से जो व्यूअर्स हैं देखने वाले उसको बड़ी ईद की खुशियाँ मुबारक, और हंसते रहे मुस्कुराते रहे, अल्लाह हाफिज़। आपने कुर्बानी की कोशिश में ना रेफ्रिजरेटर से रखने से बेहतर है कि आप गरीबों यतीमों हमसाइयों को का ख्याल रखें और इसमें बांधें। मेहदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया।